और जो जापान में भूकंप आया वो कितना तीव्र था, कितना शक्तिशाली था, ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कैमरा लगा हुआ और कैसे ये हिलती हुई तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये देखिए सड़क के ऊपर दरार पड़ गई। अब ये एक ऑफिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सामान रखा हुआ है आप देखिए वो जोर जोर से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर जो घड़ी थी वो किस तरह से हिल रही थी, और जब इस तरह की तस्वीर सामने आई तो पूरा जापान दहल उठा। ये आप देखिए जापान के अलग अलग इलाकों से इसी भूकंप के बाद जो तस्वीरें आई वो आपको हम दिखा रहे हैं। भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से पूरा जापान दहशत से भर गया। जापान से भूकंप के डरा देने वाले कई वीडियो सामने आए, लेकिन वहां से आए एक वीडियो को देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि इस भयानक वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से जापान की धरती पलट जाएगी। हालांकि ये वीडियो जापान के किस शहर या फिर किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन कुदरत के कहर के इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसकी सांसें मानो थम गई। जापान से आए इस वीडियो में 7.6 तीव्रता के भूकंप के तेज झटकों की वजह से पूरी धरती जोर जोर से हिलती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे अगले ही पल धरती पलट जाएगी और उस पर बने सारे मकान मिट्टी में मिल जाएंगे। वीडियो के एक हिस्से में कुछ मकानों के पीछे धूल का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां एक बड़ी इमारत धराशायी हो गई और उसकी वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। हालांकि इस घटना में कितने लोगों की जान गई इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उस इलाके में रहने वाले लोग खौफ से भर गए। नए साल के पहले ही दिन जापान में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और उसकी वजह से पूरा देश कांप गया। और इस ताकतवर भूकंप के आने के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 7.6 तीव्रता के इस भूकंप की वजह से जापान में तबाही मच गई। वहां से आए एक वीडियो में एक ऑफिस के अंदर रखी चीजें भूकंप के झटकों की वजह से हिलती नजर आई। उस दौरान वहां कुछ लोग भी दिखाई दिए जो खुद को संभालने की कोशिश करते नजर आए। भूकंप के झटकों की वजह से दफ्तर के अंदर मौजूद टेबल और उस पर रखी चीजें हिलती रही। इसी तरह वहां रखी कुर्सियां और दूसरी तमाम चीजें भी हिलती दिखाई दी। एक दूसरे वीडियो में भूकंप की वजह से सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आई। और तो और भूकंप आने के बाद जापान के अलग अलग शहरों में जान बचाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ सड़क पर बैठे दिखाई दिए, लेकिन लोगों की सांसें तब अटक गईं जब वहां के मौसम विभाग ने समंदर में सुनामी आने का अलर्ट जारी कर दिया। भूकंप की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कुछ इलाकों में समंदर की लहरों ने कोहराम मचाना भी शुरू कर दिया, जबकि कई इलाकों में समंदर का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। और इसी वजह से भूकंप के आने के बाद समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को फौरन घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप के झटके पश्चिमी जापान के इशिकावा प्रांत में महसूस किए गए और इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे जापान में भूकंप आया और इसके बाद वहां जैसे हाहाकार मच गया, क्योंकि भूकंप के आने के बाद जापान के क्योतो, निगता, तोयामा, यामागाता और फुकुई में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। आशंका जताई गई कि इस दौरान समंदर में 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इसीलिए लोगों से जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई। बताया गया कि 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के 8 मिनट बाद वहां 6.2 तीव्रता का पहला आफ्टरशॉक, यानी भूकंप के कुछ देर बाद आने वाला भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसके कुछ देर बाद 5.2 तीव्रता का दूसरा आफ्टरशॉक दर्ज किया गया। मतलब 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर वहां दो और ताकतवर भूकंप रिकॉर्ड किए गए। भूकंप की वजह से जापान के इशिकावा प्रांत के एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ने लगी और इसी वजह से उस इलाके में रहने वाले लोग कांप गए। जापान के इशिकावा में ही 7.6 तीव्रता वाला ये भयानक भूकंप आया। इसी प्रांत के नीचे भूकंप का केंद्र, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचने की खबर। जापान के मीडिया के मुताबिक भूकंप की वजह से वहाँ के एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग रिहायशी इमारत में लगी या फिर किसी फैक्ट्री में, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस आग की वजह से वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। आसमान से बनाए गए एक वीडियो में आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ रही थी। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। इसके अलावा उससे निकलने वाला काला धुआं भी आसपास के इलाके में फैलता रहा। हालांकि इस भीषण हादसे में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।